से प्रोफेशनल टीचर हूँ, आशीष भी मेरा स्टूडेंट रह चुका है। और सो हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आशु व्लॉग। सो आज का कुछ व्लॉग ऐसा है कि आज मतलब 5th September है। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माई टीचर्स। सो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही मोटिवेशन होने वाला है, बिकॉज आज हम मिलने वाले हैं हमारे ट्यूशन टीचर से जो कि जीत सर है। सो उनसे मिलके और उनका कुछ मोटिवेशनल लाइन्स सुनेंगे जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। सो बने रहिए वीडियो पे। और पहले तो हमें एक बुक लेना पड़ेगा जो कि सर के लिए है। सो वो हम लोग जा रहे हैं सराभट्टी, पहले वो बुक के उस साइड ही मतलब स्कूटी पार्क करना पड़ा, बिकॉज इस साइड पे फिर यू टर्न लेके जाना पड़ेगा। सो साइड पार्क कर दिया मैंने, तो पहले ले लेते हैं यहाँ से। सो अभी हम लोग जो स्टोर पे गए थे वहाँ पे मतलब बुके अवेलेबल नहीं था, तो हमें नेक्स्ट स्टोर पे जाना पड़ेगा। आई थिंक उल्लूबाड़ी के साइड में मिल जाएगा वो स्टोर। सो वहाँ चलते हैं अभी। फिलहाल अभी हम लोग उल्लूबाड़ी फ्लाईओवर के पास, और एक दुकान तो बंद था और दूसरी दुकान पे अभी जाएंगे बुक के लेने। तो चलिए पहले देर से फिर निकलेंगे हम लोग चाय स्टेशन पे। सो अभी हम लोग हैं फाटा इस्लामबाड़ी के रोड पे। सो यहाँ से थोड़ा ही दूर है और 5 मिनट्स लगेगा जाने में। सो मैं आपको डायरेक्ट ट्यूशन पे मिलता हूँ। लुक दिखा दे भाई, आज लुक दिखा दे। मनीत पनोती सर मेरे साथ है और सर अभी आप लोगों को कुछ लाइंस बोलेंगे जो कि मोटिवेशन, और मैं खुद मोटिवेशन हुआ हूँ ये सब लाइंस सुन के। सो आजकल के मतलब टीन एज जो है वो दूसरे लाइन पे चले जाते हैं और मोटिवेट हो नहीं पाते, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सर के साथ बात करते हैं कुछ। नमस्ते, मेरा नाम जीत है और मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ। आशीष भी मेरा स्टूडेंट रह चुका है। तो बहुत जन का ही एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है जो आखिरी में मतलब बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन रहता है कि हम लोग कैसे मोटिवेटेड रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेटेड रहने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन है क्या। सो मोटिवेशन हम लोग का सिंपल भाषा में अगर समझ में आए तो मोटिवेशन होता है एक विलिंगनेस, मतलब एक इच्छा, जो हम लोग कोई भी काम करने के लिए जो हम लोग का इच्छा जो चीज़ देते हैं उसको हम लोग मोटिवेट बोलते हैं। सो नाउ हम लोग कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं।
सो मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी बात है कि हम लोग को हमेशा कोई कुछ करने के लिए, कोई भी कुछ चीज़ करने के लिए हम लोग को पहले उनका पर्पस ढूंढना है। अगर हम लोग कुछ भी काम करते हैं पर्पस को जानते हुए, तभी हम लोग ऑटोमेटिकली उन चीज़ में मोटिवेटेड रह सकते हैं। और सबसे पहला बात, मोटिवेशन आता है हम लोग का अंदर से, चाहे बाहर में हम लोग को कोई भी कुछ कर ले, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो दिखा दे, चाहे कोई भी, मैं भी जो बोल रहा हूँ अभी वो भी सुन लो, तो उससे मोटिवेशन आपको आएगा नहीं जब तक आप अंदर से आप खुद को मोटिवेट नहीं करते। सो सेल्फ मोटिवेशन इज़ द अल्टीमेट मोटिवेशन जो आपको हेल्प करते हैं, बिकॉज लॉन्ग लास्टिंग अगर मैं बात करूँ, जैसे आज हम लोग ऐसा हम लोग देखते हैं जब भी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आते हैं, या फिर जब भी हम लोग के आसपास में किसी का रिजल्ट अच्छा होते है, क्लियर हो जाता है कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह, उस टाइम में हम लोग बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा, हम भी मतलब करेंगे, आज से पढ़ लेंगे। तो जब बाहर में देख के हम लोग करते हो तो हम लोग का दो दिन तीन दिन तक रहता है, ठीक है हम लोग करेंगे, पढ़ते पढ़ते फिर हम लोग फिर लाइन में भटक जाते हैं और उसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं बोलूँगा बहुत सारा एस्पेक्ट, मोटिवेशन जो वर्ड टू है, मोटिवेशन जो टर्म है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ाई में हो सके, हम लोग का लाइफ में कोई भी जर्नी, लाइफ में कोई भी चीज़ हम लोग कर सक करना चाहे, कोई भी हम लोग जॉब में है तो हम लोगों को हमेशा ही मोटिवेशन जो है ये फैक्टर होता है जो हम लोगों को कोई चीज़ करने में हम लोगों को क्या सक्सेस देते हैं। और सबसे पहला बात, हम लोग कैसे करके अपना पर्पस को ढूंढ सकते हैं, तो सबसे पहले आपको पर्पस जो है वो आपको ग्रेजुअली आपको समझ में आता है। जब एक बच्चा जन्म लेते हैं उसको जन्म लेते ही पर्पस समझ में नहीं आता है, वो जब धीरे धीरे करके बड़ा होते रहता है और आसपास में लोगों को देखते हैं क्या गुड क्या क्या बैड, उसको जैसा लेसन सिखाया जाता है उससे ही वो एक लेसन लेके अपना इच्छा को उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ते 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 उसको लगता है उस कोई ना कोई चीज़ में उसको इंटरेस्ट आते हैं। तो सिमिलरली अगर हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग का चारों ओर जो कंपनी होता है, हम लोग का जो साथी होता है, साथ मतलब साथिया, तो वो जो कंपनी होता है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हम लोग के लाइफ में। तो इसीलिए हम लोग अपना पर्पस हम लोग का आसपास में देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। इसलिए मेरा सबसे बड़ा एडवाइस तो ये है कि हम लोगों का जो कंपनी होता है, साथी होता है, फ्रेंड्स, उसको हम लोग को देख के बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए, ताकि जो भी हम लोग किसी के साथ मिलते हैं, जब भी हम लोग किसी के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, उनका जो एक वाइब्स होता है, उनका जो मतलब एक उनका जो ऑरा होता है वो हम लोग को अफेक्ट करते हैं। सो इसीलिए हम लोग हमेशा चाहेंगे अच्छा अच्छा लोगों से मिले, अच्छा इन द सेंस ये नहीं कि जो पढ़ाई लिखाई करने वाला है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पढ़ाई लिखाई किया नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो इंसान का जो थॉट प्रोसेस है, वो इंसान का करने का जो उम्मीद है कोई भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी काम के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड, उनके साथ भी हम लोग मिल सकते। तो इसीलिए वी शुड ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग पॉजिटिव, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मीट पीपल हु गिव्स अस गुड वाइब्स, गुड पॉजिटिव थॉट्स। सो इसीलिए हम लोग लाइफ में जो भी करते हैं, कंपनी अच्छा बना के हम लोगों को करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मैसेज तो उनको जाता है जो लोग अभी जस्ट स्कूल पास आउट करके नए नए कॉलेज में आते हैं, तो क्या होता है स्कूल का जर्नी जहाँ पे ख़त्म होते हैं, कॉलेज का जर्नी वहाँ से शुरू होता है। तो कॉलेज में जब हम लोग आते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन जो स्कूल में रहते हैं या फिर जो डिसिप्लिन रहता है, उस डिसिप्लिन को हम लोग छोड़ के जब हम लोग उस डिसिप्लिन से निकल के जब कॉलेज में हम लोग आते हैं, तो कॉलेज में आके नया नया फ्रेंड्स मिलते, तो हम लोग क्या करते हैं एकदम पूरा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और वही लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। जितना भी लोग होता है मैं देखता हूँ, सब लोग बोलता है कि मेरा कंपनी ऐसा था वैसा मैं हो गया। एक्चुअली मैं अगर बोलूँ, कंपनी मैटर्स अ लॉट बट इट्स अप टू यू एज वेल। कभी कभी ऐसा भी किस्सा मिलता है जो बहुत खराब लोग उसके साथ रहते हुए भी अच्छा बन गया। तो इसीलिए जब भी हम लोग देखते हैं अपना कंपनी को, और जब भी हम लोग फर्स्ट ईयर से आते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे उन ग्रुप में जाने के लिए जो ग्रुप का एक पर्पस रहे। हमेशा लाइफ में जिनका एक पर्पस रहता है कुछ करने का, वही सक्सेस होता है। और 100% है, सब लोग जितना भी सक्सेसफुल इंसान को आप देख लो, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ पर्पस के हिसाब से ही जाके कर रहे हैं। आज जितना भी बड़ा बड़ा पर्सनलिटीज है, चाहे रोनाल्डो हो जाए, चाहे बड़ा बड़ा एक्टर हो जाए, ठीक है, तो उन लोग अपना लाइफ में एक पर्पस ढूंढ के निकाला था कि यही करना है। हो सकता है जिस पर्पस में हम लोग जा रहा है उनमें हम लोग को सक्सेस थोड़ा देर पहले ना मिले, हो सकता है हम लोग को इतना सक्सेस ना मिले, पहला स्टेप में हम लोग को इतना खराब मिले, बट वी शुड नॉट गिव अप। जैसे हम लोग एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग आते ही हम लोग सोच लेते हैं कि हमको एक बार में सब कुछ मिल जाएगा। नो, एक कहावत है कि नो पेन नो गेन, पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा, और जितना हम लोग गलती करते उतना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो यंग जनरेशन है, जो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं स्टूडेंट्स लोग, वो लोग कोशिश करें कि हम लोगों का जो सराउंडिंग्स वगैरह होता है, जितना भी अच्छा अच्छा है, सब अच्छा में रहे, कोई भी खराब कंपनी में ना आए, नशा करने वाला, ऐसा करने वाला, उन लोगों का साथ ना आए, एक अच्छा ग्रुप बना के, अच्छा अच्छा एक सर्कल बना के रहे, तो आने वाला टाइम में भी उनका एक अच्छा पर्पस मिलेगा लाइफ में। और
लास्टली मैं बोलूँगा कि हम लोग को कुछ भी हम लोग चीज़ करते हैं उसमें गिव अप नहीं करना है, और फेलियर से हम लोग को मोटिवेशन लेना चाहिए। ऐसा बहुत सारा कंपनी है फेलियर में अवॉर्ड देते हैं, फेलियर में जो फेलियर करते हैं नया चीज़ करने में, बिकॉज देखो फेलियर से इनोवेशन आता है। अगर हम लोग कुछ चीज़ नया ट्राई करेंगे तभी, और एक बार में तो हम लोग सक्सेस नहीं हो सकता है ना। लाइट बना था, फैन बना था, बल्ब बना था, जो भी बना था, पहले बार जो बनाया था वो हर वक्त एक ही बार में नहीं बना पाया, फेलियर करते करते करते। ठीक है, इवन हम लोग का सामने एक बड़ा सा एग्जांपल है KFC का मालिक, जो KFC का फाउंडर है, वो भी 60 ईयर्स में वो अपना एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करके करा। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जो था वो भी लाइफ में बहुत फेलियर हो के करके फाइनली जाके लास्ट में अमेरिका का डायरेक्ट प्रेसिडेंट बनता है। सो दैट्स व्हाई हम लोगों को कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना है, और ऐसा लगेगा कि कोई कुछ दरवाज़ा खुला ही नहीं है, एकदम हम लोग एकदम बनना है, कुछ भी नहीं है हम लोग का सामने, एकदम नेगेटिव टू नेगेटिव सिचुएशन आ गया है। बट उसमें भी हम लोग को करना है कि यस, जितना खराब टाइम आएगा वही हम लोगों का एक इशारा दे रहा है कि उतना भी अच्छा टाइम हम लोग का आने वाला है, क्योंकि रात के बाद ही सुबह आता है, और उनका पास ही प्रॉब्लम आता है जो जो प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है। सो भगवान उनको ही प्रॉब्लम देता है जो हैंडल कर सकता है, और जितना ज़्यादा प्रॉब्लम उतना ही ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए टेक ऑल द प्रॉब्लम्स एज अ चैलेंज, जितना भी प्रॉब्लम है उसको एज अ चैलेंज लो, और उस चैलेंज को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ प्रॉब्लम आ गया मतलब वी शुड गिव अप, हमको नहीं आ रहा ऐसा ही होता है, नहीं, माइंड में ऐसा सेट मत करो, ऐसा नहीं होता है। हम लोग इंसान है, वी कैन डू एनीथिंग। माउंट एवरेस्ट में जब पहला बार कोई उठा था तो ऐसा लगा ही नहीं था, उसके पहले किसी को थॉट ही नहीं आता माउंट एवरेस्ट हम लोग उठ सकता है। जब पहला बार माउंट एवरेस्ट में कोई उठा था पीक में, उसके बाद से आने वाला टाइम पे उठता ही गया, उठता ही गया, उठता ही गया। मतलब क्या होता है, हम लोग को अपना लिमिटेशन कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, कंफर्ट जोन से निकल के हम लोगों को लाइफ में नया कुछ करना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ में लगे हम लोग नहीं सक रहे उसको बार बार कोशिश करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। लास्ट लाइफ का एंडिंग में भी वो कंप्लीट हो सकता है काम। तो इसीलिए जो हम लोग को जो लाइफ मिला है उस लाइफ को हम लोग यूज़ कर सकें, यूटिलाइज करें, ताकि जन्म लेने से किसी को कोई नहीं जानता है, लेकिन हम लोग जब मरते हैं उस टाइम पे अगर लोग हम लोग को नहीं जानता है वही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जन्म लेते कोई अपना काम से जानते हैं ना, तो जन्म लेते हम लोग कोई काम नहीं करते, लेकिन हम लोग जब मरते हैं तब लोग अगर पहचाने हम लोगों को अच्छा काम करके जाए सोसाइटी के लिए, देन वही हम लोग का लिए सबसे बड़ा बात है। सो दैट्स वाई माई फाइनल मैसेज टू यू इज़ दैट ऑलवेज बी मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड। बाहर से लो ले लो आप जो भी फैक्टर होता है, आप वीडियो वगैरह देखें, बट स्टिल यू ऑलवेज ट्राई टू हैव फाइंड सम पर्पस इन योर लाइफ। और ये जो एज होता है नया यंग जनरेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रूशियल एज होता है हम लोग का लाइफ में कुछ करने का। इस एज में अगर हम लोग गलती कर देता है, हम लोगों का बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन्स डेवलप होता है, हम लोगों का हार्मोन डिसबैलेंस होता है, बहुत कुछ चीज़ होता है, बहुत कुछ फैक्टर होता है इस एज में जो हम लोग को मिस्टेक करा देता है, बट स्टिल वी ऑलवेज ट्राई हम लोग को क्या गुड क्या बैड, इसका अच्छा एडवाइस, अच्छा कंपनी, अच्छा इन्फॉर्मेशन देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जो काम करेंगे वो काम उनका बेस्ट टू बेस्ट बनेगा, और उससे हम लोग का पहचान बनेगा। थैंक यू।